तो गैस आप लोगों के लिए ना बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अभी तक आप लोगों को मतलब महंगे फ़ोन्स के लिए, फ्लैगशिप फ़ोन खरीदने के लिए, स्पेशली एप्पल के आईफोन खरीदने के लिए अपनी किडनी बेचनी पड़ती थी, लेकिन अब गाइज फ्यूचर में आपको लंग्स भी बेचने पड़ेंगे। लिटरली गाइज स्मार्टफोन कंपनीज है ना, इनोवेशन के नाम पे ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज लेके आ रही है जिनका कोई यूज ही नहीं है। और यूज तो छोड़ो, ये जो इनोवेशन लेके आती है ये बस एक कॉन्सेप्ट फोन बन के रह जाते हैं। कितनी बार हम लोगों ने सुना है कि हमें सैमसंग की तरफ से ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, ट्रांसपेरेंट टीवीज देखने को मिल सकते हैं, इन डिस्प्ले मतलब अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरास देखने को मिल सकते हैं। ऐसी ऐसी खबरें आई हैं लेकिन वो सिर्फ कंसेप्ट बन के रह गई, सिर्फ उनके प्रोटोटाइप देके छोड़ दिया कंपनीज ने। तो अभी एक दो दिन पहले ना वीवो की तरफ से ऐसे ट्रेलर निकल के आया था कि वो लोग एक ऐसे फोन पे काम कर रहे हैं जिसका बैक पैनल है वो अपना कलर वगैरह चेंज कर लेगा, उसके अंदर ऐसे स्पेशल ग्लास लगा हुआ है। तो गाइस आज की इस वीडियो को एंड तक देखना, आप लोगों के सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो देख लो। तो भाई शायद आप लोगों को याद होगा कि इस साल के शुरुआत में जनवरी या फरवरी में वन प्लस की तरफ से कॉन्सेप्ट वन फोन आया था, जो कि सिर्फ अभी तक कॉन्सेप्ट ही बना हुआ है, पता नहीं कब आएगा। वो जरूरत के टाइम पे ट्रांसपेरेंट हो जाता था, बाकी टाइम वो ब्लैक कलर का रहता था, और वही जो कैमरा के ऊपर लगा हुआ ग्लास है वो उसके लिए एनडी फिल्टर का काम भी करता कैमराज के लिए। तो वो सब चीजें ठीक है, मतलब अच्छे फीचर्स है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बन के रह गए। तो आप लोग डिस्प्ले पे देख रहे होंगे कि वीवो की तरफ से ना ऐसा कोई फोन निकलने वाला है जिसका है ना बैक पैनल चेंज होने वाला है, मतलब उसके कलर्स वगैरह चेंज हो जाएंगे। ये सेम वही टेक्नोलॉजी है जो वन प्लस के कॉन्सेप्ट वन में यूज किया गया था, जिसमें ग्लास ट्रांसपेरेंट और ब्लैक हो जाता है, लेकिन इसके अंदर ग्लास कलर चेंज कर लेगा। तो ये वही सेम इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास है। इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास है ना बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा यूज हो चुका है, लाइक गाड़ियों के अंदर जो सनरूफ होता है उसका हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं। तो हाँ बाहर ये सब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, पर इंडिया में अभी तक नहीं आई, तो इसलिए इंडियंस के लिए ये चीज नहीं है। लेकिन गाइस बैक पैनल का कवर चेंज करके हम लोग क्या उखाड़ लेंगे? अपन कितना भी महंगा फोन ले, कितना भी ड्यूरेबल फोन ले, मेटल बॉडी के फोन ले, लेकिन उसके ऊपर है ना 70 रुपए का बैक कवर तो चढ़ना ही है। फिर क्यों इतने महंगी महंगी टेक्नोलॉजीज डाली जा रही है फोन के अंदर? अब देखो इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतलब वोल्टेज करंट वगैरह इन सब से रिलेटेड, क्रोम मतलब क्रोम का मतलब होता है कलर, तो जहां पर भी क्रोम का नाम होता है वहां पर मतलब कलर से रिलेटेड है वो। तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास है ना इसके अंदर जैसे हम लोग वोल्टेज चेंज करते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो ये अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेता है, कलर चेंज कर सकता है, ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकता है, ये सब चीजें कर सकता है वो। तो हाँ ये टेक्नोलॉजी है ना देखने में एडवांस लग रही है, साईफाई मूवीज में हमने देखी होगी सब टेक्नोलॉजी कभी, तो ये सब चीजें मूवीज में अच्छी लगती है, लेकिन रियल लाइफ मुझे नहीं लगता कि इस चीज का कोई यूज होने वाला है। बिकॉज यार है कैसा भी वो, लेकिन है तो ग्लास ही, टूटेगा जरूर। और ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी ना आते ही बहुत सस्ती हो जाएगी, ये लाखों में देखने को मिलेंगे ये फोन, मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास है ना बहुत नई टेक्नोलॉजी है, बहुत रेयर टेक्नोलॉजी है, तो महंगी तो डेफिनेटली होने वाली है। अब हाँ अगर चाइना में ऐसा कोई फोन बन जाए तो हाँ सस्ते होने की है, लेकिन चाइना से तो हमारे रिलेशन वैसे भी अच्छे नहीं है अभी, और चाइनीज फोन लेने भी नहीं हमें। तो गाइस मेरा सजेशन है ना यही रहेगा कि अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आती है, ऐसा कोई फोन आता है ना, तो उसे लेने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली आपको जाके बैक कवर लेना पड़ेगा, और बैक कवर लगाने के बाद वो जो आपने लाखों रुपए फोन के अंदर दिए वो कोई काम के नहीं होंगे। ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज होती है ना ये शुरू में इतनी अच्छी नहीं होती, आगे जाके जब ये थोड़ी और डेवलप हो जाती है ना तो अच्छी हो जाती है। लाइक आप फोल्डेबल फोन्स को देख लो, सैमसंग ने जो गैलेक्सी जेड फ्लिप निकाला था वो काफी सारे हिट एंड ट्रायल मेथड के बाद निकला था, मतलब उससे पहले उन्होंने गैलेक्सी फोल्ड निकाला था, गैलेक्सी फोल्ड 2 निकाल दिया था, वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। अभी माइक्रोसॉफ्ट का सर्फेस डुओ आया आई थिंक, वो भी एक फोल्डेबल फोन है। तो अभी बाकी सारी कंपनीज तो ट्राई कर रही है, उसमें सैमसंग ने एक ऐसा फोन निकाल दिया जो कि मार्केट में अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट अमेजोन से मंगा सकते हैं। तो गाइस फोल्डेबल फोन ना इतने अच्छे है नहीं, मतलब वो सिर्फ थोड़े फ्यूचरिस्टिक लगते हैं, वो बात अलग है। अब एग्जांपल लेते हैं गैलेक्सी जेड फ्लिप का, उसके अंदर क्या आया है, वो मतलब 1 लाख से भी ऊपर की प्राइस है उस फोन की, और उसके अंदर हाँ स्पेक्स भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन हर फोल्डेबल फोन में अभी भी एक प्रॉब्लम है, वो है कि इसका जो हिंज होता है ना, जो पीछे मुड़ने वाला जो मैकेनिज्म होता है वो साफ साफ डिस्प्ले पर भी दिखता है, डिस्प्ले पर भी एक हिंज दिखा होता है, थोड़ा सा उठा उठा सा रहता है, तो वो चीज भी हमें दिखती है और बहुत ही मतलब अजीब सी लगती है। गाइस फोन यूज करते टाइम है ना हमें अजीब सी लगती है, हम लाइक कोई वीडियोस वगैरह देख रहे हैं तो काफी अजीब लगता है वो। तो गाइस मेरा मानना ये है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही ना, उसे थोड़ा सा ग्रो होने के लिए टाइम दो। हम लोग थोड़ा टाइम देंगे कंपनीज को, थोड़ा फीडबैक या फिर कमेंट्स वगैरह या सजेशन वगैरह हमारे जो भी देंगे ना, उनसे कंपनी है ना आगे जाके उसे डेवलप करेगी। अभी हाथ क्या ऐसे कोई भी फोन आ जाए इस टेक्नोलॉजी के साथ लेने का कोई फायदा नहीं है। हम माना कि थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लगेगा, बट यार क्या मतलब है जब तुम लोग अपने लाखों रुपए ऐसे मतलब फालतू में दे रहे हो और आपको फोन यूज करने में मजा ही नहीं आ रहा। तो गाइस हम लोग इंडियंस है, हम लोग वैसे भी व्हाइट को पीला बनाने में ना बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है चेंजिंग कलर बैक पैनल की। ओके लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, अभी तक तो एक कॉन्सेप्ट फोन ही था, अब आगे जाके शायद कुछ हो जाए वो सब बाद में पता चलेगा, अब देखते क्या होता है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप यहाँ पर नए हो तो, और बेल आइकन तो तुम लोग दबा लोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलता हूँ, बाय।